हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक का जीएनएफसी है, जीएनएफसी लिमिटेड की बात करें, देखिए तो 8.40 रुपये गिरावट के साथ 649.70 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। तो देखा जाए जीएनएफसी में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार जैसे ऊपर जा रहा है ये नीचे की तरफ चला आ रहा है। तो देखा जाए तो एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिले ये लंबे समय से इसी को फॉलो करते हुए आ रहा है। थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं तो देखा है, तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट की तरफ वर्क किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी में है। तो ओनली प्रिडिक्शन करके आप एंट्री लेते हैं तो हमेशा लॉस करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको कन्फर्मेशन मिलने दीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे डेली कैंडल क्लोज कर देता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है, जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो आपको 590 से 600 के बीच में सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, अगर इसके नीचे भी डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। और इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल में जैसे ऊपर जाने की कोशिश की बट सेलर इतने ज़्यादा एक्टिव है कि नीचे लाकर क्लोजिंग दे दी है। अभी करना आपको ये है, एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है और यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर यहाँ पर कंसोलिडेट कर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और डेली कैंडल क्लोज करता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो फिर आप जाकर उसमें एंट्री बनाते हैं। जैसे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट इजिली 750 अचीव कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक कन्फर्मेशन में या तो इसको नीचे आने दीजिए या तो इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने दीजिए, तभी एंट्री बनाएंगे तो बेटर एंट्री रहेगी। तो इसमें इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।